अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कोरोना काल में पावर कॉर्पोरेशन के करीब 3000 अभियंता व कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए और करीब 250 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह दावा करते हुए अभियंता संघ ने पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष से विद्युत कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने व सभी का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराने की मांग समेत कुछ अन्य मांग की, लेकिन कोई नतीजा सामने न आने पर आज PVVNL के अभियंताओं ने पूरे दिन का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। इस बहिष्कार से महामारी को देखते हुए आपात व मेडिकल संस्थाओं को मुक्त रखा गया है। बताया जा रहा है कि विरोध स्वरूप सभी अभियंताओं ने प्रबंधन के व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट कर दिया है। वीडियो कॉलिंग बैठकों का भी अभियंताओं ने बहिष्कार किया है। इस बारे में पश्चिमांचल अभियंता संघ के उपाध्यक्ष KK तेवतिया ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। हमारा इस कोरोना की महामारी में हमारी संगठन की तरफ से केवल मुख्य मांग ये है कि सभी विद्युत कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा मिले। जो कर्मी हमारे मृत्यु को प्राप्त हुए उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा, जो हमारे कर्मी अस्पताल में भर्ती हुए उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा, और जिनकी मृत्यु हुई उनके आश्रित को उनकी योग्यता अनुसार शैक्षिक योग्यता अनुसार सेवा योजन, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और ये हम लगातार हम शुरू से कर रहे हैं। और सभी को वैक्सीनेशन, दी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा मिलता है तो 18 वर्ष से उम्र के हमारे सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर हो, वो हमारी मांगे लगातार इग्नोर करते रहे हमारे प्रबंधन, हमारे चेयरमैन MR M. देवराज, और उन्होंने इस पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस कोरोना महामारी के काल में पूरे प्रदेश भर में करीब 3000 हमारे अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हुए और 250 के करीब की असमय मृत्यु हो गई। यदि वैक्सीनेशन होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो इतने असंवेदनशील प्रबंधन के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन है, इस चेयरमैन के खिलाफ आंदोलन है कि जिनको हम लगातार चेताते रहे। और विद्युत कर्मी सबसे ज़्यादा फ्रंटलाइन पे हैं और उनका वर्क प्लेस इस तरीके का है कि उन्हें जनता से सीधे जुड़ के रहना है। तो हमारा इस आंदोलन में हमारा ये भी संकल्प है कि हम जनता को इस महामारी काल में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लॉकडाउन गाइडलाइंस का पालन कीजिए, घर पर रहें और सेफ रहें। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए FirstByte.tv और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।